गुड मॉर्निंग माई डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्ट। इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इमोशंस एंड देयर कॉजेज, द कैपेसिटी ऑफ रेगुलेटिंग दीज इमोशंस। जैसे हम कहते हैं ना कि कई बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, कुछ जो होते हैं अपने इमोशंस को स्नब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि किस टाइम पे हमें कैसे इमोशंस शो करने हैं। एक बच्चे की एबिलिटी है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना दूसरों के सामने, इसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ एंड अदर्स, हेल्प्स इन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस एंड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। इससे क्या होता है कि हम दूसरे व्यक्ति को अच्छे से समझ पाते हैं, उसके इमोशंस के द्वारा जो है हमें पता चल जाता है कि वो किस मूड में है। हम कहते हैं ना कि आज ये व्यक्ति बहुत गुस्से में है, या फिर हम कहते हैं आज गुस्से में नहीं है। तो ये क्या है, उसके इमोशंस के द्वारा ही हमें पता चल जाता है, और जिससे हम उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उससे भी रिजॉल्व कर सकते हैं, ताकि किसी के साथ भी उसका लड़ाई झगड़ा ना हो। इसलिए जो है इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही ज़रूरी है। इमोशन से जो है हमें पता चलता है दूसरे व्यक्ति के बिहेवियर के बारे में, और उसे कैसे दूसरों के साथ बिहेव करना है, ये भी जो है इमोशनल इंटेलिजेंस से ही आता है। सो इसके करैक्टरिस्टिक क्या है। सबसे पहला, अगर व्यक्ति जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस लेवल उसमें ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, सबसे पहले कॉन्फिडेंट होगा, ठीक है। मतलब उसे पता है कि कैसे बिहेव करना है, तो वो किसी भी तरीके के साथ किसी के साथ गलत बिहेव नहीं करेगा, और वो कॉन्फिडेंट होगा। नेक्स्ट है गुड लर्नर होगा, ठीक है। तो क्या होगा, वो एक अच्छा लर्नर होगा, वो हमेशा ही कुछ ना कुछ नॉलेज लेने की या फिर अंडरस्टैंड करने की किसी भी चीज़ को जो है कोशिश करेगा। उसमें क्या होगी, हाई सेल्फ इस्टीम होगी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट होगा, तो उससे क्या है उसमें हाई सेल्फ इस्टीम होगी। और वो ऑप्टिमिस्टिक भी होगा, आशावादी भी होगा, क्योंकि उसे पता है कि कैसे दूसरों के साथ बिहेव करना है, कैसे जो है अपने इमोशंस जो हैं वो शो करने हैं, कैसे दूसरों के साथ डील करना है। जब एक व्यक्ति जो है दूसरों के साथ अच्छा डील करता है, तो दूसरे व्यक्ति भी जो है उसके साथ अच्छा डील करते हैं, तो इससे क्या होता है, वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। फिर हैप्पी, वो खुश रहता है। अगर वो दूसरों के साथ अच्छा रहेगा, दूसरे उसके साथ अच्छा रहेंगे, इमोशंस जो हैं उसके कंट्रोल में रहेंगे, तो वो क्या होगा, खुश होगा, हैप्पी रहेगा। नेक्स्ट है हैंडलिंग ऑफ इमोशंस, उसे पता होगा कि कैसे अपने इमोशंस को जो है कंट्रोल करना है, किस टाइम पे कैसे बिहेव करना है। आपने देखा होगा कई बच्चे जो हैं बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, लेकिन कई बच्चे जो हैं गुस्सा नहीं करते या बहुत कम गुस्सा करते हैं। तो वो बच्चे क्या करते हैं, जो बहुत कम गुस्सा करते हैं, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, हैंडल करते हैं, और दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करने की कोशिश करते हैं, और यही इमोशनल इंटेलिजेंस है बच्चों की। नेक्स्ट है गुड हेल्थ। अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करेंगे, दूसरों के साथ जो है हम कोऑपरेटिवली रहेंगे, तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। हम कहते हैं ना कि थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारी हेल्थ जो है हमें ख़राब लगने लग जाती है, ठीक है। हम अच्छा करेंगे, अच्छा जो है हमेशा सोचेंगे, तो हमारी जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी, और दूसरों के साथ हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी अच्छे रहेंगे। अगर हम दूसरों के साथ अच्छे से बात करेंगे, तो वो भी हमारे साथ अच्छे से बात करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा रिलेशनशिप बढ़ेगा। नेक्स्ट है गुड अचीवमेंट। जब बच्चा जो है अच्छे से कंट्रोल करने सीखेगा अपने इमोशंस को, दूसरों के साथ प्यार से रहेगा, दूसरों के साथ कोऑपरेट करेगा, दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, तो ये क्या होगी, उसके गुड अचीवमेंट। क्योंकि हमें एजुकेशन जो है क्यों प्रोवाइड की जाती है, वो भी इसीलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि बच्चे जो है इन इमोशंस को हैंडल कर पाएँ।